अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि रियाद से, दम्माम से, जिद्दा से कौन कौन सी फ्लाइट कहाँ जाएगी। 5 फ्लाइटें हैं टोटल। रियाद एम्बेसी का ट्वीट आ गया। मैंने बोला था ना कल आपको, जब तक रियाद एम्बेसी कन्फर्म नहीं करेगी तब तक मैं आपको क्लियर करके वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो चलिए मैं इसमें बात करता हूँ कितना दाम है टिकट का, कौन फ्लाइट किधर जाएगी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सऊदी अरब की हर अपडेट के लिए आपको इस बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है, ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। तो मेरे भाई, आप लोग के स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि रियाद में जो इंडियन एम्बेसी है, उन्होंने ट्वीट करके इसको अप्रूव्ड कर दिया है कि यहाँ से कौन कौन सी फ्लाइट कहाँ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय दूतावास सऊदी रियाद में भारत सरकार ने 5 एयर इंडिया रिपेट्रेशन फ्लाइट की घोषणा की है। पहली फ्लाइट रियाद से कोझिकोड जाएगी और वह 8 मई को संचालित होगी। 8 मई से जाएगी पहली फ्लाइट, कोझिकोड की तरफ जाएगी। 8 मई से फ्लाइट यहां से लेके जाएगी सबको इंडिया। ठीक है, बाकी 4 फ्लाइट रियाद से दिल्ली, दम्माम से कोच्चि, जद्दा से दिल्ली के लिए चलेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आप सबको बता दूं कि इस फ्लाइट पे जाने वाले यात्रियों की लिस्ट रियाद एम्बेसी में जो ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था उनके आधार पर ही किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले परेशान कामगार, मतलब काम करने वालों को, मरीज, गर्भवती, प्रेग्नेंट महिलाएं फंसे हुए हैं, उमरा करने आए वो लोग फंसे हुए हैं, सब जो है फंसे हुए थे, तो इन लोगों को ही सबसे पहले यहां से जाने का ऑर्डर दिया गया है और इन लोगों को ही सबसे पहले प्राथमिकता दी गई है जाने के लिए। रियाद एम्बेसी लोगों को सीधा मोबाइल फोन के द्वारा ही संपर्क कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपका नंबर आ जाएगा तो आपको भी कॉल आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ भी, दूतावास लोगों को सीधा संपर्क मोबाइल फोन और ईमेल के जरिए खुद कर रही है, और लोगों को जो इसके लिए लिस्ट में शामिल हैं उन्हें लोकल एयर इंडिया ऑफिस में संपर्क कर टिकट बुक करने और अन्य फॉर्मेलिटी पूरा करने का सलाह दे रहे हैं। मतलब कि जिनके पास में कन्फर्मेशन कॉल आ गया है, जैसे मान लो कि मैंने फॉर्म भरा और मेरे पास में रियाद एम्बेसी का कॉल आ गया या मेल आ गया, तो वो बोलेंगे कि हाँ अब आप टिकट जाकर ले लीजिए। तो टिकट लेने के लिए मुझे कहाँ जाना है? वेबसाइट्स, ऑनलाइन वेबसाइट्स नहीं ले सकेंगे टिकट। अब हमें टिकट लेने के लिए आस पास पड़ोस के जो भी ट्रैवल वाले होंगे उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे। मुझे पता है कि वो भी बंद है, कोई कोई खुला भी होगा, तो कोई जुगाड़ करके टिकट का इंतजाम कर लिया जाएगा तो हम जा सकते हैं। जब तक मुझे कॉल या मैसेज नहीं आता तब तक मैं टिकट नहीं ले सकता। ठीक है, कन्फर्मेशन आना बहुत जरूरी है। इसके आगे बात करता हूँ, सभी व्यक्तियों को फ्लाइट से उतरते ही 14 दिन के मिनिमम क्वारंटाइन के लिए रहना होगा, जिसका पूरा पैसा तो आपको ही देना होगा। ठीक है, यहाँ भी आपने जो टिकट लेंगे वो भी आपको ही देना होगा। ठीक है, इसमें लगभग ये लोग क्लियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये लोग ये बता रहे हैं एम्बेसी वाले कि 60,000 लोगों ने ही रजिस्ट्रेशन किया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने ट्वीट भी करके इनको बोला है। ठीक है, आवाज मैं उठाता हूँ लेकिन कुछ नहीं बोलते मेरे भाई, क्या कर सकते, ये लोग चुप है, कुछ नहीं बोलते। इसके बाद मैं आपको दाम बता देता हूँ टिकट का। इस प्रकार रखे गए फ्लाइट के भाड़े। ठीक है, रियाद कोझिकोड के लिए 900 रियाल, रियाद से दिल्ली के लिए 1023 रियाल, दम्माम से कोच्चि के लिए 850 रियाल, जद्दा से दिल्ली के लिए 1350 रियाल। समझ गए, जद्दा से कोच्चि के लिए अभी एयर फेयर कन्फर्म नहीं किया गया है। ठीक है, अभी फिलहाल ये 5 फ्लाइटों का लिस्ट बनाया गया है। मेरे हिसाब से जो लग रहा है कि हो सकता है कि परवी कुछ नया हो, इसलिए ये लोग ने शेड्यूल बनाया है आई थिंक। लेकिन ये लोग एक बात और क्लियर कर रहे हैं कि 14,800 लोगों को ही हम बाहर से लाएंगे, उस ट्वीट आप देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या, हम जो आम इंसान यहाँ पे मर रहे, भूखे मर रहे, खाना नहीं है, रहना नहीं है, सैलरी नहीं है, परेशान है, घर जाना है, वीजा खत्म हो गया, टिकट नहीं है, एक्सपायर हो गया एग्जिट वीजा, हम कब जाएंगे? मतलब कि ये जो फ्लाइट का शेड्यूल पूरा बनाया गया ये बस पैसे वालों के लिए बनाया गया है क्या? कंफर्मेशन कॉल नहीं आएगा तो भाई कैसे जाएंगे हम? नहीं जा पाएंगे ना। ऐसे बने रहिए मेरे चैनल पे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ अगर समझ में नहीं आया आपको ये वीडियो तो ये वीडियो दोबारा से देख लीजिए। ठीक है, अब आप कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा, जावेद भाई लखनऊ के लिए फ्लाइट नहीं है, मुझे यूपी जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना था। भाई जो फ्लाइट था मैंने आपके सामने में रख दिया, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? फ्लाइट तो भाई एम्बेसी चलाएगी ना, फ्लाइट तो भाई इंडिया वाले चलाएंगे ना, हम लोग तो सिर्फ बोल सकते हैं, आपको बता सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। दोस्तों ऐसे ही बने रहिए चैनल पर, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मुझे ट्विटर पे अभी के अभी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमेशा लेटेस्ट न्यूज़ आती रहती है सऊदी अरब से, इंडिया से।
हर वक्त की खबर आपको मिल जाएगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर चीज़ का सवाल जवाब आपको वहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। हर सवाल का जवाब आपको ट्विटर में मिल जाएगा, मुझे फॉलो